आप सभी को फिर से स्वागत राकेश सचदीप का नया टॉपिक में। आज हम बात करेंगे विटामिन डी। ये विटामिन डी का कमी होने पे क्या आपको बार बार थकान महसूस होता है, क्या आपका हड्डियों में दर्द होता है, क्या आपको बार बार ऐसे मतलब महसूस होता है कि आपको वीकनेस हो रहा है। बात करेंगे पूरा विटामिन डी का, विटामिन डी का आपका क्या क्या हो सकता है बॉडी में, पूरा फुल कवर करेंगे। विटामिन डी कैसे आपको बाहर से मिलता है या फिर विटामिन डी आप कैसे ले पाएंगे, विटामिन डेफिशिएंसी में आपको क्या होता है या फिर विटामिन डी एक्स्ट्रा होने पे क्या तकलीफ होता है, हाउ टू बैलेंस विटामिन डी। विटामिन डी आपका नोन एज कोलेकैल्सिफेरॉल, यह आपका एक वॉटर सॉल्युबल विटामिन है जो नेचुरली कुछ फूड में या फूड सप्लीमेंट में नहीं तो फिर आपको सनलाइट में। देखिए सनलाइट आपका बेस्ट सोर्स है आपको विटामिन डी के लिए। अगर आप सुबह मॉर्निंग में पूरा मतलब एक्स्ट्रा जितना हो सके आप उतना एक्सपोज रहेंगे, विटामिन डी आपको वहां से बॉडी में हो जाएगा सिंथेसिस। तो क्या है, जब भी मॉर्निंग सनलाइट आपके ऊपर आता है तो आपका बॉडी में ट्रिगर होता है विटामिन डी सिंथेसिस। ओनली मॉर्निंग सनलाइट कैन हेल्प यू फॉर मतलब आपका विटामिन डी सिंथेसिस वहां पे होता है। देखिए आपका जो यूवी रेज है इसी में बेनिफिट होता है, आपको मिलता है विटामिन डी। देखिए आपका जो विटामिन डी है मॉर्निंग में मिलेगा, आपको इवनिंग टाइम में या फिर आपका 3 या 4 बजे का सनलाइट में आपको नहीं मिलेगा। विटामिन डी प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द गट, ऑलमोस्ट द कैल्शियम द फॉस्फेट एंड आपका मैग्नीशियम। देखिए ये काफी इंटरलिंक है, जब भी आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा ताकि आपको बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इन द फूड सप्लीमेंट आपको कुछ मिल जाएगा आपको विटामिन डी। देखिए विटामिन डी दो फॉर्म में होता है, एक आपका D2 एंड D3। आपका D3 को बोलते हैं आपका कोलेकैल्सिफेरॉल, D2 को बोलते हैं एल्गोकैल्सिफेरॉल। आपका देखिए विटामिन D3 जो कोलेकैल्सिफेरॉल डेफिशिएंसी में क्या होता है, आपको रिकेट्स होता है इन इन्फेंट्स, आपका ऑस्टियोमेलेशिया होता है। ब्रीफ में पूरा बात करेंगे वीडियो में आपका विटामिन डी कितना आपका मतलब बेनिफिटेड है या फिर विटामिन डी कमी होने पे आपका इम्यून सिस्टम में क्या होता है प्रॉब्लम। देखिए कुछ फूड सप्लीमेंट जैसे कि आपका फैटी फिश, सैल्मन फिश में आपको बहुत मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए ओनली सोर्स है आपका मशरूम। मशरूम ही एक ऐसा चीज है जिससे ओनली जो वेजिटेरियन है उनको मिल सकता है विटामिन डी। देखिए लेकिन वो मशरूम अगर बाहर पे मतलब देखिए अगर पेड़ी पे आप देखिए अंधेरे में बनाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर उस विटामिन D3 आपको चाहिए तो फिर जो मशरूम बाहर में उगाया गया है वो आपके लिए बेनिफिट है, तो फिर आपको मिल्क में भी मिल जाएगा आपका जो मशरूम एंड मिल्क में। अगर जो मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है उनको काफी सारा बेनिफिट है, जैसे कि आपका कॉड लिवर फिश ऑयल है, आपका जो क्या बोलते हैं कुछ डेयरी फूड में फिश ऑयल में ये मिल जाएगा आपको विटामिन डी। विटामिन डी इफेक्ट देखिए मोस्टली आपका जो ओल्ड एज में आपको होता है मोस्टली तक, नहीं तो फिर जो हमेशा बंद रूम में रहते हैं उनको होता है डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी डिक्लाइन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी इन द इंटेस्टाइन इन द गट व्हिच लीड्स टू आपका हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैल्सिमिया व्हिच द लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, दिस इज लीड टू द सेकेंडरी हाइपोथायरॉइडिज्म। देखिए ये दोनों मिलके आपका जो मसल में वीकनेस, मसल क्रैम्प, थकान होना, देखिए विटामिन डी का जो कमी होने से आपको बार बार देखिए बार बार ऐसे मतलब नींदे जैसे आना, आपको थकान महसूस होना, आपका घुटने में दर्द होना, आपको मतलब इतना फूड नहीं खा पाएंगे आप, मतलब आपको वीकनेस लगेगा, आपको मतलब बहुत कुछ तकलीफ हो सकता है विटामिन डी के। दिस फर्दर लीड्स टू आपका ऑस्टियोमेलेशिया एंड आपका रिकेट्स। कभी भी विटामिन डी डेफिशिएंसी इन द देखिए ब्लैक पर्सन में ज्यादा होता है, क्योंकि वो देखिए अब जब भी आप सनलाइट में आएंगे तो वहां पे जब भी आप सनलाइट मॉर्निंग में आएंगे तो वहां पे भी आपका जो मेलानिन का सिंथेसिस ज्यादा होने के वजह से आपको विटामिन डी का मतलब कमी हो जाता है वहां पे। कुछ कंडीशन व्हिच लीड्स टू विटामिन डी डेफिशिएंसी जैसे कि क्रोनिक फाइब्रोसिस, आपका क्रोन्स डिजीज, ओबेसिटी, सम किडनी एंड लिवर डिजीज, सम कैंसर ऑल्सो विच लीड्स टू आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी, नहीं तो कुछ ऐसा मेडिसिन इंटेक करने पे भी आपको हो सकता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी, जैसे कि आपका स्टीरॉयड्स,
लैक्सेटिव, आपका कोलेस्ट्रोल लोअरिंग ड्रग्स, स्विजर ड्रग्स लाइक आपका फिनोबारबिटोल, फिनाइटोइन एंड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग लाइक आपका रिफाम्पिन, यह कुछ मेडिसिन लेने से आपका बॉडी में तुरंत कम हो सकता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी डेफिशिएंसी में वही सेम कंडीशन आपका ऑस्टियोपोरोसिस, आपका ऑस्टियोमलेशिया, आपका बोन में मतलब डेंसिटी कम होने के वजह से आपको थकान होना, इन चिल्ड्रेन में आपका रिकेट्स भी पाए जाएंगे। इन द केस ऑफ हाइपरकैलेमिया या हाइपरकैल्सिमिया, जब भी आपको ज्यादा होगा कैल्शियम तब भी आपको इंक्रीज इन द यूरिनेशन, पोअर एपिडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन कैल्शियम आपका रेगुलेट करता है आपका जो फास्फोरस इन द बॉडी व्हिच फॉर्म ऑफ द विटामिन D2, दिस इज कॉल्ड द एर्गोकैल्सिफेरॉल, एंड विटामिन D3, दिस इज कोलेकैल्सिफेरॉल। द मोस्ट देखिए एबनॉर्मल अवेलेबिलिटी द D3 इन द देखिए मार्केट में आपको मिल जाएगा, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में मिल जाएगा आपको विटामिन D3 का, नहीं तो फिर कुछ सासे में और कुछ बोतल में आपको मिल जाएगा इन द कंडीशन ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी में आपको दिया जाता है। पीपल देखिए आपका देखिए होल ओवर अगर वर्ल्ड में बात करेंगे तो वर्ल्ड में बहुत सारा ऐसे लोग मिलेंगे, आधा से ऊपर लोग मिलेंगे आपको जहां पे आपको हुआ है विटामिन डी का डेफिशिएंसी। मेडिसिन में कुछ देखिए आपका सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल है आपका, देखिए 2000 यूनिट तक इंटरनेशनल यूनिट तक आप डेली ले पाएंगे, लेकिन अगर वीकली बात करेंगे तो आपका 60,000 इंटरनेशनल यूनिट लेंगे आप वीकली। काफी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। यह देखिए कुछ होता है आपका सॉफ्ट जेलेटिन, कुछ आता है आपका कंपनी में सासे में, नहीं तो फिर बोतल में। यह आपका विटामिन D3 मार्केट में काफी ब्रांड्स अवेलेबल है। यह लेने से आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ है वीकनेस, D3 का कमी होने से आपको थकान या फिर जो भी प्रॉब्लम, आप इसको मतलब मेंटेन कर सकते हैं। देखिए कुछ हो गया आपका फूड सप्लीमेंट, कुछ मेडिकेशन एंड आपका सनलाइट, यह तीनों मिला के आपको प्रॉपरली अगर मॉनिटरिंग करेंगे तो आपका जो विटामिन D3 का मतलब प्रॉब्लम हुआ है यह ठीक हो सकता है। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और राकेश हेल्थ टिप में ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।